आ गए सारे भाई, जो नहीं आया है उसको भी फोन वगैरह करके बुला लो, ठीक है। भाई यार, माय नेम इज समर एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। भाई आज की इस वीडियो में हकाई टीवी का एडिटिंग सीक्रेट रिवील होने वाला है। मतलब हकाई टीवी जो ज्यादा सेक इफेक्ट यूज करता है वो, एंड जो इफेक्ट यूज करता है वो, एंड अपनी वीडियो में क्वालिटी कैसे ऐड करता है, एंड अपनी वीडियो में कलर ग्रेडिंग कैसे करता है, एंड अपनी वीडियो को स्लोमो कैसे करता है, ठीक है। मतलब सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो भाई यार, वीडियो एंड तक वॉच करना, हकाई टीवी का एडिटिंग सीक्रेट आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा रिवील हो जाएगा, ठीक है। सो भाई यार, चलते हैं वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बट भाई यार, आपसे मेरी एक ही डिमांड है, आप भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? वीडियो में क्या दिक्कत है, क्या कमी है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। एक क्रिएटर के लिए भाई काफी ज्यादा दिक्कत होती है, इतनी मेहनत करके रिसर्च करके वीडियो लेके आता है, कोई भी सपोर्ट वगैरह उस पर नहीं मिलता, ठीक है। तो भाई यार, दिल टूट जाता है। सो भाई ऐसा मत करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो जिससे दिल गार्डन गार्डन हो जाए, ठीक है। सो लेट्स मी गो स्टार्टेड दिस ब्यूटीफुल वीडियो। सो गाइस यार, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हकाई टीवी का जो सबसे ज्यादा बंदा यूज कर रहा है इस टाइम इफेक्ट। उस इफेक्ट का नाम है सेक इफेक्ट रोटेशन, ठीक है। सो उसको ऐड करने के लिए आपको कैपकट को ओपन कर लेना है मोहब्बत के साथ। सो कैपकट ओपन करने के बाद अपनी क्लिप को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको जिस भी पोजीशन पे वो इफेक्ट अप्लाई करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसको इस तरह से यहाँ पे कट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपको अप्लाई करना हो कट कर लेना। कट करने के बाद उस क्लिप पे टैप करना एंड इसके स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे यहाँ पे की फ्रेम दे देना, ठीक है। देने के बाद आपको क्लिप के एंड में जाना है, फिर से की फ्रेम दे देना। देने के बाद आपको बिल्कुल बीच वाली पोजीशन पे आना है, ठीक है, यहाँ पे, एंड फिर से आपको की फ्रेम दे देना है। देने के बाद अपनी वीडियो को दोनों हाथों से टच करके इस तरह से रोटेट कर देना है किसी भी तरफ, ठीक है, चाहे आप लेफ्ट कर दो चाहे राइट कर दो, ठीक है। करने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है इफेक्ट पे, वीडियो इफेक्ट पे, एंड आपको यहाँ पे VPN कनेक्ट करा लेना है, तभी यहाँ पे इफेक्ट वगैरह का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेक इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जहाँ पे आपका क्लिप है, जहाँ पे आपने रोटेशन किया, उस इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर लेना। हो गया भाई, बहुत ईजी है, ठीक है। सो गाइस यार, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, एंड अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट का जो बंदा इस टाइम काफी ज्यादा यूज कर रहा है, ठीक है। उस इफेक्ट का नाम है जूम इन जूम आउट, ठीक है। तो उसको भी ऐड करने के लिए आपको कैपकट में आ जाना है। कैपकट में आने के बाद आपको जिस भी जगह पे जूम इन जूम आउट वाला इफेक्ट ऐड करना हो, ठीक है, तो आपको इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको वीडियो क्लिप पे टैप करना है एंड आपको स्टार्टिंग में की फ्रेम दे देना है, ठीक है। देने के बाद एंड पे जाना, एंड पे जाने के बाद फिर से की फ्रेम दे देना, एंड आपको जिस भी पार्ट को जूम करके दिखाना हो इस तरह से जूम कर लेना। जूम करने के बाद भाई ये हो गया, बहुत ईजी है भाई, ठीक है। सो भाई यार, अब बात कर लेते हैं मेन चीज की जो होती है क्वालिटी। क्वालिटी भाई वीडियो में काफी ज्यादा मैटर करता है आपका वीडियो वगैरह वायरल करने में, ठीक है। एंड हकाई टीवी का भाई क्वालिटी इतना ज्यादा हार्ड रहता है पूछो मत, ठीक है। बहरहाल मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, बट मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ, ठीक है। काफी सारे यूट्यूबर इस टाइम क्या कर रहे हैं आप देखो, तो आपको क्वालिटी ऐड करने के लिए कैपकट में आ जाना है। आने के बाद आपको अपनी क्लिप को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट पे जाना है। जाने के बाद सैचुरेशन को सिलेक्ट कर लेना एंड इसको फुल कर देना, एंड इसको खींच कर पूरी वीडियो में रख लेना, ठीक है। अगेन जाना है आपको यहाँ पे एडजस्ट पे, शार्पन को सिलेक्ट कर लेना एंड इसको फुल कर देना, एंड इसको भी खींच कर पूरी वीडियो में रख लेना, ठीक है। रखने के बाद भाई वीडियो में क्वालिटी एक नंबर आ जाएगी, ठीक है। एंड भाई इस टाइम काफी बड़े बड़े यूट्यूबर इसी ट्रिक को फॉलो करके अपनी वीडियो में काफी ज्यादा क्वालिटी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस यार, अब बात कर लेते हैं कि आप अपनी वीडियो में स्लो मोशन कैसे ऐड कर सकते हो, वो भी हकाई टीवी की तरह, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्लो मोशन ऐड करने के लिए एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है VSCO। जिसके पास है पहले से, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसका मोड एंड प्रीमियम वर्जन चाहिए तो आप इंस्टा पे जाके DM कर देना, तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ पे VSCO को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको अपने क्लिक को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे आपको जिस भी पोजीशन पे अपनी वीडियो पे स्लोमो करना हो, ठीक है, इस तरह से ड्रा कर लेना। ड्रा करने के बाद इसकी स्पीड को बिल्कुल जीरो कर देना, ठीक है। करने के बाद आपकी वीडियो में स्लोमो हो जाएगी। अगर आपको और स्लोमो चाहिए अगेन इसी तरह से कर लेना, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना एंड इजी तरीके से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। सो भाई यार, अब आता है मेन चीज, वो है कलर ग्रेडिंग। हकाई टीवी का कलर ग्रेडिंग कैसे करें, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, बट मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत इजी तरीके से, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करने के लिए एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है BN एडिटर। आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सीधा आ जाओ ऐप में।
सो ऐप में आने के बाद आपको अपने क्लिप को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको उस पोजीशन पे आना है जब आप वन टैप मार देते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कट कर देना है एंड आपको यहाँ पे जाना है फिल्टर एडजस्ट एंड आपको यहाँ पे HSL पे चले जाना है, ठीक है। जाने के बाद आपको फर्स्ट वाले कलर का सेचुरेशन प्लस कर देना पूरा का पूरा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको फोर वाले कलर पे क्लिक कर देना है एंड इसका सेचुरेशन माइनस कर देना। फाइव वाले पे क्लिक कर देना है, फिर से सेचुरेशन माइनस कर देना। सिक्स वाले पे क्लिक कर देना, फिर से सेचुरेशन माइनस कर देना, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट वाले सेचुरेशन को प्लस करना है, फोर फाइव सिक्स सेचुरेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पे शार्पन पे जाना है, जितनी क्वालिटी चाहिए अपनी वीडियो में ऐड कर लेना। यहाँ पे हो गया कलर ग्रेडिंग, बहुत इजी है भाई, ठीक है। सो गाइज यार यही था हकाई टीवी का कुछ एडिटिंग सीक्रेट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जितने बंदे भाई चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। सो मिलते हैं भाई यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।